गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मेरी बुआ की इंगेजमेंट है और इंगेजमेंट से पहले घर में कुछ हवन हो रहा है तो उसी की तैयारी चल रही है। और ये हमारे लड्डू शेठ जो कपड़े पहन रहे हैं और उनकी मम्मा पहना रही है। फिर कहाँ जाओगे? रेडी होके कहाँ जाओगे? किसकी? तो यहाँ मैं अपनी बुआ को रेडी कर रही हूँ, उनके आईलाइनर लगा रही हूँ, उनको आईलाइनर करना। और ये मेरे चाचू का लड़का है जो उनका मतलब सूरज पूजन भी है। और यहाँ हवन की तैयारी चल रही है। यहाँ चाचू के लड़का हुआ है तो उनके ससुराल से ये सब सामान आया है उनके लिए, तो ये सब दिखाने के लिए। अब देखो यहाँ पे लगभग उनकी पूजा वगैरह हो चुकी है तो अब हवन स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। तो भाई अब सबको भूख लग चुकी थी तो अब नाश्ता बना रहे हैं और सब लोग बिजी है और बुआ की इंगेजमेंट है आज और बुआ ही पोहे बना रही है सबके लिए। देखो बुआ की मेहंदी। चलो तो फिर हम पोहे खाते हैं अभी बन जाए तो फिर। और लगभग पोहे रेडी हो गए हैं और अब लोग दीदी अब सबको डाल रहे हैं। तो यहाँ हम सब बातें कर रहे हैं और इधर हवन चल रहा है। तो ये दादी बैठे हैं, ये बुआ बैठे हैं, ये दादी के सिस्टर हैं, सब लोग बैठे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं दीदी को रेडी करने के लिए इंगेजमेंट के लिए। तो फिर रेडी हमने फटाफट करना है क्योंकि ससुराल वाले इनके आ चुके हैं तो हमें जानना पड़ेगा जल्दी से। तो हम आ गए हैं नीचे, यहाँ से जा रहे हैं हम हॉल में, वहीं है इंगेजमेंट का फंक्शन तो सब लोग जा रहे हैं वहीं पे। ये दुआ वगैरह आ गए हम हॉल में और सबसे पहले हमने किया डांस वहाँ पे और मजे किए थे हमने। दीदी और जीजू आ गए हैं दोनों अपनी और ये सब दीदी के ससुराल वाले हैं जो माला वगैरह लेके आए हैं फ्लावर्स। और अभी हो रहा है माला का फंक्शन तो जीजू ने तो पहना दी है माला, अब जीजू की बारी है। जी पहना दो फटाफट, ये पहना दी। तो अब ये तो हो गया प्रोग्राम। उसके बाद शायद है ना दीदी के ससुराल वाले जो ननंद वगैरह को चाहे हुए हैं तो वो पहनाएंगे दीदी को पायल। तो ये पायल पहना रहे हैं। उसके बाद हमारे में इंडिया में मतलब राजस्थान में है ना खोल भरते हैं सगाई के टाइम, मतलब ससुराल वाले होते हैं जो लड़की की ससुराल वाले लड़की की खोल भरते हैं और लड़के के ससुराल वाले लड़के की। तो आप ये देखो लो, आप इनको अब इस टाइप से कुछ होता है।
होती है या कुछ जेटी चीज़ वगैरह वो पहना देते हैं, और जो दूसरी रिंग होती है वो आपस में पहनाई जाती है हमारे यहाँ पे, तो वो दूसरी वाली रिंग ही आपस में पहनाएंगे। फाइनली अब चीज़ पहनाएंगे जो रिंग। जोधपुर में खाने का मज़ा अलग ही है, मीठा आधे घंटे तक तो मीठा चलता है। हम यहाँ पे गप्पे लड़ा रहे, सब देख लो जुआ वगैरह बैठे हैं। तो अब यहाँ पे बुआ के ससुराल वालों को वापस सीख देने की तैयारी चल रही है, तो एक एक को टीका करके उनको मतलब कपड़े वगैरह देते हैं, सलीफा का कुछ देते हैं, तो वही चल रहा है वापस फंक्शन। तो आप सब देख सकते हो और प्रेम क्या चल। तो अब हमारे ना मतलब जो मतलब सामने वाले होते हैं ना दीदी के ससुराल वाले, तो उनको है ना शगुन के रूप में है ना थोड़ा बहुत कलर लगाया जाता है। उन देख लो आप, ये जीजू लगा रहे हैं इन सबके। और कलर में सबसे ज़्यादा मज़ा इनको आया, देखो देखो जिन्हें दादी और दीदी के साथ साथ भी कितने खतरनाक, उन्होंने होली खेली है पूरी, वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अब वापस अट्टे करेंगे वहाँ एक दिन से, ये दादी पे सपने के कलर लगा दिए, मेरी तो पूरी ड्रेस ही गंदी हो गई थी। तो ये हैं बुआ के जेठानी जी वगैरह सब, अब इनको बाय बाय बोल रहे हैं हम, ये लोग जा रहे हैं। ये था हमारा फैमिली फंक्शन। तो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।